नमस्ते, आई एम मोनाली शेसा और आई एम फ्रॉम जनकपुर धाम नेपाल। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं आज एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, तो चलिए शुरू करें। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई डिश जो कि बहुत ही आसान है, सिंपल है। ये डेजर्ट है तो घर के ही सामान से बन जाती है। ये लिया है मैंने 1 कप दूध। इसको हम पहले एक पैन में रख के गर्म करने के लिए रख देंगे। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है तब तक हम ये देखिए इंस्टेंट कॉफ़ी लिया है मैंने, और ये थोड़ा सा पानी ग्लास में ले लेंगे और इसको हम घोल लेंगे इस तरह से पानी में, और इसको साइड में रख लेंगे। और ये लिया है मैंने 2 चम्मच इसी चम्मच से कॉर्नफ्लोर, अब इसको भी हम घोल लेंगे। ये थोड़ा सा दूध इसमें रख के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि लम्ब्स ना पड़े। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे और देख लेते हैं, दूध गर्म हो रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे। दूध गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे और इसको फटाफट हम चलाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं तो इसमें फिर से लम्ब्स पड़ जाएगा। और ये इसमें हम कॉफ़ी का जो तैयार किया हमने कॉफ़ी घोल के वो भी डाल देंगे, और ये चीनी 2 चम्मच चीनी है ये भी ऐड कर देंगे इसमें। और जब भी हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो उसमें चुटकी भर नमक आप ऐड करें तो उससे इन्हेंस हो जाता है स्वीट डिश का फ्लेवर। ये देखिए ये हम चुटकी भर नमक इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाते, ये देखिए लगातार इसको हम चलाते हुए ये इस तरह से बना लेंगे। और ये देखिए धीरे धीरे कितनी गाढ़ी हो गई है ये। तो बस अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे जिससे कि ये ठंडा होने पर और भी गाढ़ा हो जाएगा। और ये चॉकलेट से बनता है ये डिश, तो इसमें हम चॉकलेट ऐड करेंगे। तो मेरे पास चॉकलेट है नहीं अभी, तो मेरे पास ये था चॉकलेट चिप्स, तो इसको हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा रख लेंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए। और इसको मिक्स करते जाएंगे जिससे कि गर्म है ये तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा चॉकलेट चिप्स। ये देखिए फ्रेंड्स सभी चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो चुके हैं और ये कस्टर्ड बन चुका है हमारा, ये कस्टर्ड चॉकलेट कस्टर्ड। तो इसको हम थोड़ा सा और ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए ये मैंने लिया है बिस्कुट का चूरा, ये मैंने चॉकलेट बिस्कुट लिया है ओरियो का जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको ये लिया है ग्लास मैंने इस तरह का, 4 ग्लास लिया है। अब हम इससे पहले ये बिस्किट का लेयर डालेंगे इस तरह से। ये देखिए एक लेयर मैंने बिस्किट का डाल दिया। अभी हम इसमें आराम से ये चॉकलेट कस्टर्ड का लेयर डालेंगे। ये देखिए इसी तरह से सब में। अब हम इस पर फिर से ये बिस्किट का लेयर लगाएंगे। ये देखिए अब फिर से फाइनल लेयर लगाएंगे कस्टर्ड का हम। देखिए सभी लेयर तैयार है। अब इसमें ऊपर से ये चॉकलेट चिप्स डाल के डेकोरेट कर लेंगे। और अब हम इसको फ्रीजर में 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए रेडी है खाने के लिए। जस्ट लुक एट दिस, कितना अच्छा लेयर बन के आया है। बहुत उम्मीद है कि आपको ये डेजर्ट की रेसिपी पसंद आई होगी।